बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जिसके नाम का पहला हर्फ हो उसकी शख्सियत ऐसी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी से शुरू होने वाले नाम की शख्सियत बताने से पहले हम मुख्तसर बताते चलें कि इस चैनल पर हम मुख्तलिफ रूहानी मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ, दुआ और तावीज़ात की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई भी रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूहानी मसाइल के हल की नई और पुरानी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। या किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल के हल के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर रابطہ कायम करें। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो नाजरीन, आज के दौर में हमारे मुआशरे में मौजूद ऐसे अफराद जिनका नाम जी से शुरू होता है, उनकी शख्सियत में बेशुमार खूबियाँ पाई जाती हैं। साफ दिल के मालिक होते हैं। साफ दिली की वजह से ये अक्सर लोगों की साजिशों का शिकार भी हो जाते हैं। जी अफराद बहुत नरम मिजाज और मुखलिस होते हैं। इनमें ईमानदारी का अंसर नुमाया होता है। ये अफराद ज़्यादातर तन्हाई पसंद होते हैं, मगर कुछ मखसूस अफराद के अलावा लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप इन्हें पसंद नहीं होता। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करने से परहेज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने ज़ाती मामले में इनसे मशवरा मांगे तो पूरे खलूस से उन्हें उस मसले का हल बताते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से पर काबू पाना इनके लिए खुद भी मुश्किल हो जाता है। जी अफराद होशियार और मक्कार लोगों से बेहद उलझन महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई होशियार फ़र्द इनका दोस्त बन भी जाए तो उसकी होशियारी से अपना ज़ाती फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी सलाहियत रखते हैं। इसीलिए ये दोस्त भी उन्हीं को बनाते हैं जो हर लिहाज से इनके साथ मुखलिस हो। ये अफराद दूसरे इंसानों के लिए दिल में बेहद हमदर्दी और खुलूस रखते हैं। ऐसे अफराद से अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती से सबक सीखते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो उस गलती को ना दोहराएं। प्यार मोहब्बत के मामले में सच्चे होते हैं, लेकिन सच्चा प्यार पाने में ये अक्सर नाकाम होते हैं और मोहब्बत में नाकामी इनकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब करती है, जिससे ये बाज़ुकात अपनी ही मोहब्बत के दुश्मन बन जाते हैं। जिन अफराद के जीवन साथी का नाम जी से शुरू होता है उन्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि उनका साथी बेहद वफादार, मुखलिस और हर लिहाज से हमदर्द है। जी अफराद हर रिश्ते में चाहत को तलाश करते हैं और अपने जीवन साथी का हर दुख सुख में साथ निभाने का पुख्ता अज़्म भी रखते हैं। जी अफराद हर काम करने से पहले उस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं और उस पर अमल पैरा भी होते हैं। ये अफराद सादा ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और अक्सर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इन्हें मुखलिस रिश्तों के खो जाने का डर अक्सर परेशान करता है। जी अफराद को अगर मुखलिस रहनुमाई मिल जाए तो ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जी अफराद को अक्सर अपने टारगेट को पूरा करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर ये उस टारगेट को पूरा करने का इरादा कर लें तो उसमें बेमिसाल कामयाबी और इज्जत पा लेते हैं। ये अफराद ज़्यादातर आबी मिजाज के मालिक होते हैं और इसीलिए इनसे मिलने जुलने वालों में जो आबी मिजाज के लोग हों वो इनकी शख्सियत से फौरी मुतासिर होते हैं। इसके बरक्स आतशी मिजाज के लोग अक्सर इनके मुखालिफ बन जाते हैं। जी अफराद दूसरों की मदद करने में बेहद रूहानी सुकून महसूस करते हैं और इसीलिए बाज़ुकात दूसरों से हमदर्दी के जज्बात इस कदर बढ़ जाते हैं कि ये अपने करीबी रिश्तों की भी परवाह नहीं करते और इसीलिए ये तनकीद का निशाना भी बन जाते हैं। इन्हें दौलत बहुत मेहनत से मिलती है, मगर अपनी ज़ात से बढ़कर ये दूसरों पर दौलत को खर्च करने में खुशी महसूस करते हैं। जी अफराद बहुत आला तरीन सोचों के मालिक होते हैं और इसीलिए अपने अज़दवाजी रिश्तों में मोहब्बत बनाए रखने के लिए नित नए प्लान करते हैं और उसे अमली जामा भी पहनाते हैं, मगर अक्सर बदले में इन्हें मायूसी ही मिलती है। नाजरीन, ये था जी की शख्सियत के बारे में मुख्तसर सा अंदाज़ा। इल्मे गैब अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है।
हमने आपको जो मुख्तसर सी खूबियाँ और खामियाँ बयान की हैं वो हमारे मुशाहिदे का हिस्सा और एक कैफा यानी अंदाज़ा है, और अंदाज़ा ज़रूरी नहीं कि 100% दुरुस्त हो, और ये भी नहीं कि 100% ही गलत हो। नाज़रीन, हमारा मुशाहिदा आपकी शख्सियत के मुताबिक कितने परसेंट दुरुस्त है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।